हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष मैथ पॉइंट पर। देखिएगा, अपन बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज की वास्तविक संख्याएं कक्षा टेंथ में, तो वो अपना जो चैप्टर है वो 7 वीडियो हैं उसके, तो उसमें अपने कंप्लीट कर लिया है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सेकेंड एक्सरसाइज वो है बहुपद। तो उससे पहले आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अपन ने 9th क्लास, 8th क्लास और 7th क्लास में भी व्यंजकों बहुपदों के बारे में पढ़ा है, और 9th क्लास में भी अपन ने उनकी घातों के बारे में पढ़ा हो। तो देखिएगा, जो एक चर वाले समीकरण हैं, अपन 9th क्लास में पढ़ा था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चर और अचर आपको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। चर क्या होता है कि वह मान जो गणित की अलग अलग कंडीशन में, मतलब अलग अलग परिस्थिति में उसका मान क्या होता रहे, परिवर्तित होता रहे। तो अचर क्या है, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता रहे। जैसे अपन मानते हैं एक्स वाई जेड और ये होते हैं 1, 2, 3 ए बी, ये क्या है, अचर है, और ये क्या है, चर है। अपन ने पढ़ा था कि एक्स प्लस 3 ये है, उसमें ये एक्स तो चर है और 3 क्या है, अचर है। तो अपन ने 9th क्लास में ये भी पढ़ा था कि चरपद की अधिकतम जो घात होती है वो बहुपद की क्या होती है, घात होती है। चरपद की जो अधिकतम घात होती है वह बहुपद की क्या होती है, घात होती है। जैसे इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, तो इसकी घात कितनी है, 1। बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। बात करें एक्स की पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 8 एक्स की घात 4 प्लस 5, इसमें बहुपद की घात क्या है, अधिकतम घात यहाँ 4 है, तो बहुपद की घात भी क्या होगी, 4 होगी। अब देखिएगा, अपन ने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि शून्य क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है, बहुपद द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखिएगा, अपन ये है, यदि अचर पद की, सॉरी चर पद की अधिकतम जो घात है, अधिकतम घात यदि 1 है, तो वह सरल समीकरण या रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। यदि घात 2 है तो फिर वो क्या कहलाएगा, द्विघातीय समीकरण। यदि उसकी अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात समीकरण, क्या होगा, त्रिघात समीकरण। यदि 4 है तो चतुर्थ घात समीकरण। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि किसी बहुपद में अधिकतम, चरपद की अधिकतम घात यदि n है तो कितने घात का समीकरण होगा, n घात का समीकरण होगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा, इसका कंसेप्ट क्या है वो देखिएगा। यहाँ पे अपन, मैं बात करूँ, देखिएगा यहाँ पे अपन ने ये समझा कि जितनी बहुपद की अधिकतम घात होगी वो क्या होगा, उसकी घात होगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझना, जो बहुपद है वो किंग ऑफ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का राजा है। यदि बहुपद आपको आता है तो बहुत जगह इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको आराम से समझिएगा, अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो कंसेप्ट से पढ़ेंगे, और एक अच्छी तरीके से अपन इसको कवर करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, समझते जाइए। देखिएगा, मैं यदि बात करूं x प्लस 4 है, x प्लस क्या है, 4। देखिएगा यहाँ पे यदि इसकी सारणी बनाएं, जैसे रेखिक रूप में इसको यदि ज्यामितीय रूप में परिवर्तित निरूपित करें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि x का मान, और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का मान कितना आता है, सॉरी वो चेक करते हैं। x का मान यदि 0 है तो x प्लस 4 का मान, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4। यदि इसका 1 है तो इसका मान 5, इसका मान 2 है तो इसका मान 6, इसका मान 3 है तो इसका मान 7। देखिएगा, इसका मान 4 है तो इसका मान 8, ठीक है। इसी प्रकार माइनस में भी संख्या रखते जाएंगे। यदि इसको ज्यामितीय निरूपण करूं, ज्यामितीय निरूपण करें तो क्या होगा वो समझते जाइए। यहाँ पे आपके पास ये एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, ये वाई और ये वाई डैश, ये माइनस के होंगी, इधर माइनस की, इधर प्लस की और इधर प्लस की। ये जो मूल बिंदु है वो 0, 0 होता है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 मान लेता हूँ,
ठीक है। यहाँ माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पाँच। यहाँ बात करें एक दो तीन चार पाँच छः, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः। यदि इनका नूरपुर करें तो जीरो और चार, तो एक्स देखो मैं ये मान लेता हूँ कि जो एक्स है ये तो इसमें क्या होगा एक्स वाले मान रख देते हैं, और ये क्या मान लेते हैं वाई वाला जो एक्स है उसे क्या मान लेता हूँ एक्स प्लस चार मान लेता हूँ। समझ में आई? तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स का मान जीरो और एक्स प्लस चार का मान चार, तो कितना होगा एक्स का मान जीरो और एक्स प्लस चार का मान, यही तो होगा ठीक है, जीरो और चार ठीक है। यहाँ एक और पाँच, और एक और पाँच कहाँ होगा, एक और पाँच यहाँ होगा, एक और पाँच, दो दो और छः, इसी प्रकार तीन और सात, ऐसे चलेगा। तो इसका जो रेखिक आएगा वो ऐसे आएगा ठीक है। तो यहाँ पे किसको काट रहा है ये, एक्स को काट रहा है, मतलब जो ये पॉइंट होगा उस वो क्या होगा एक्स प्लस चार के लिए क्या होगा जीरो होगगा, एक्स प्लस चार के लिए क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि एक्स एक्स पर वाई का मान जीरो होता है और वाई एक्स पर किसका मान जीरो होता है एक्स एक्स मान जीरो होता है। तो यहाँ एक्स प्लस चार को अपन वाई एक्स पर निरूपण किया, तो यहाँ ये एक्स एक्स है तो एक्स एक्स पर एक्स प्लस चार का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ एक्स प्लस चार का मान क्या हुआ जीरो हुआ। और अपन लास्ट जो क्लास है उसमें जो नाइन्थ क्लास है उसमें ये भी पढ़ा था कि बहुपद का मान क्या होता है, मान कह दो शून्य कह दो या मूल कह दो, कि शून्यांक क्या होता है कि चर पद का वह मान, चर पद का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए जीरो हो जाए। और बहुपद अपना कितना है यहां पे एक्स प्लस चार है, एक्स प्लस क्या है मेरे दोस्त चार है, इसलिए यहां जो पॉइंट है उसमें जो एक्स का मान होगा और एक्स का मान कितना है माइनस का चार, वह इसका क्या होगा शून्यांक होगा, वह चर पद का क्या होगा मान होगा। बात समझ में आई होगी ठीक है। इसी प्रकार आप यदि इनका ज्यामितीय निरूपण करोगे, और आपको यह भी पता है कि जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है चर पद की, जिस बहुपद में चर पद की अधिकतम जो घात होती है, अधिकतम जो घात होती है अधिकतम शून्यांक भी उतने ही हो सकते हैं। देखो यहाँ x की पावर एक थी तो अधिकतम जो शून्यांक है वो कितने होंगे एक होगा। इसी प्रकार यहाँ बात करें x की पावर दो प्लस पाँच एक्स प्लस तीन, तो ये कौन सा घात समीकरण है द्विघातीय समीकरण। तो यदि इसका ज्यामितीय निरूपण करें ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये फिक्स नहीं है कि एक ही जो बहुपद है उसके अलग अलग मान होंगे, ये कतई आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि किसी जो द्विघातीय बहुपद होते हैं, द्विघातीय बहुपद होते हैं उसके शून्यांक अधिकतम जो शून्यांक है, अधिकतम जो शून्यांकों की संख्या है वो कितनी होती है दो। यहाँ पे वो जीरो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, और क्या हो सकती है दो भी हो सकती है। जैसे बात करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की, यदि आप एक्स स्क्वायर का ज्यामितीय निरूपण करोगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर का ज्यामितीय निरूपण करोगे तो इसके शून्यांक कितने होंगे एक होंगे। मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि सब कैसे, तो यहाँ देखना एक बात और समझ ले इसमें कि जहाँ पे क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर जो एक्स का मान कट रहा है वो इसका क्या है मान है, वो क्या है इसकी वैल्यू है ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक्स है तो इसमें जो चर पद था ये क्या है, इसमें चर पद एक्स है, तो एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है एक बार काट रहा है, तो इसका मान शून्यांक भी कितने होंगे एक होंगे। यदि द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद में यदि चर पद कि शून्यांक जीरो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और दो भी हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं बात करते हैं। यहाँ यदि इसका सारणी के रूप में इसको निरूपित करूँ मैं, तो यहाँ होगा देखो एक्स मान लेता हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं, जीरो होगा तो यहाँ भी जीरो होगा, एक होगा एक होगा, दो होंगे तो चार होगा, तीन होगा तो नौ होगा, चार होगा तो सोलह होगा, यही तो होगा
ठीक है। इसमें अब देखो, इसका यदि ज्यामितीय निरूपण करना चाहूँ मैं तो क्या हो जाएगा, आपको पता है इस एक्स पर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ और ये एक्स है ही, यहाँ एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, यही है ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स का मान जीरो है व एक्स स्क्वायर का मान भी जीरो है, इसी प्रकार एक और एक ये रहा, दो और चार तो दो और चार यहाँ आ जाएगा, फिर तीन और नौ यहाँ आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पे यदि माइनस का रखना चाहूँ, देखना समझना इसमें क्या होगा, माइनस का यदि मैं एक रख दूँ तो माइनस का एक रखूँगा तो इसका कितना आ जाएगा एक, माइनस का एक रखूँगा तो कितना एक, माइनस का दो तो चार, माइनस का तीन तो नौ, यही तो आएगा, अरे यही तो आएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, माइनस एक किसका एक्स का ये रहा, लेकिन एक्स स्क्वायर का ये रहा, इसी प्रकार माइनस दो और चार ये आ जाएगा, इसी प्रकार माइनस तीन, तो इसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा वो ऐसे बनेगा। और बताओ ये एक्स एक्स को कितनी जगह से काट रहा है, एक जगह से काट रहा है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे एक होंगे, कितने होंगे एक होंगे। यदि आप इसका निरूपण करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसके शून्यांक कितने होंगे मेरे दोस्तों, दो होंगे। देखो कैसे, यहाँ पर यदि बात करूँ एक्स और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस कितना एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x बराबर जीरो और यहाँ x प्लस एक, तो x बराबर जीरो तो एक शून्यांक हो गया, x बराबर माइनस एक शून्यांक हो गया, तो जो कटेगा वो जीरो और माइनस एक में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। इसी प्रकार यदि त्रिघात समीकरण की बात करें तो ये इसके भी अधिकतम शून्यांक तो कितने होंगे, अधिकतम शून्यांक कितने होंगे, कितने होंगे तीन, लेकिन जीरो एक दो तीन भी हो सकता है, ठीक है। तो यह बात समझ में आई होगी। अपने क्या पढ़ा कि चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है, उसके बाद आपने पढ़ा कि यदि किसी बहुपद में अधिकतम अचर पद की अधिकतम घात एक होगी तो वो रैखिक समीकरण या सरल समीकरण कहलाएगा, अधिकतम घात दो होगी तो द्विघात समीकरण, तीन होगी तो त्रिघात समीकरण, और यदि एन होगी तो एन घातीय समीकरण कहलाएगा। जितनी जो चर पद है, चर है अपना, उसकी जो अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात होती है। शून्यांकों की बात की तो शून्यांक क्या होते हैं कि शून्यांक की डेफिनेशन क्या होती है कि चर पद का वह मान जो बहुपद में रखने पर क्या हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक है। तो अपन ये बात करें कि सरल समीकरण में एक शून्यांक होता है, अधिकतम की बात कर रहा हूँ, दो में अधिकतम दो हो सकते हैं, त्रिघातीय समीकरण में अधिकतम तीन हो सकते हैं, और एन घातीय जो समीकरण होता है उसमें एन बहुपद हो सकते हैं। इतनी बात आपने कर चुके हैं, ठीक है। और इनका ज्यामितीय निरूपण में पूरा बता नहीं सकता, लेकिन आप मैं समझाया वैसे आप कर सकते हो। तो जो कि फर्स्ट वन सेकेंड 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सिर्फ डायग्राम दे रखा है, ज्यामितीय निरूपण दे रखा है, और उसमें ये याद करने हैं कि उसके शून्यांक कितने हैं, क्या शून्यांक कितने हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, और देखिए कैसे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है आपको फर्स्ट जो 2.1 है उसकी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, और क्या कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो वाई बराबर क्या इसमें पी एक्स है, मतलब ये हुआ कि जितना एक्स एक्स को काटेगा, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्स को काटेगा वही उसका क्या होगा शून्यांक होगा। तो दे रखा है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो, जो फर्स्ट है आपका वो दे रखा है वाई वाई डैश एक्स डैश और एक्स, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है, बताओ एक्स एक्स को काट रहा है क्या, ये नहीं काट रहा, तो शून्यांक कितना हो जाएगा इसका जीरो, शून्यांक कितना हो जाएगा जीरो। यदि दूसरे की बात करूँ तो देखो इसमें ऐसे दे रखा है y, y डैश एक्स डैश और x, ठीक है, इसको दे रखा है ये, ठीक है, ये दे रखा है, बताओ x x को कितनी जगह से काट रहा है, एक जगह से काट रहा है, तो शून्य कितना होगा इसका एक। फिर तीसरे की बात करें तो तीसरा वही है ग्राफ कि x x डैश y y डैश o, इसमें देखो ये ऐसे दे रखा है, इसमें कितनी जगह से काट रहा है एक दो और तीन, तो इसमें शून्य कितने होंगे तीन, कितने होंगे तीन। जो फोर्थ है वो क्या है देखिएगा, y डैश y x डैश x, ये है एक और दो, तो शून्य कितने हैं इसके
दो, तो मतलब दो जगह से काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हैं? दो हैं। और जो अगला है देखिएगा कौन सा, पांचवा, पांचवा आपको दे रखा है इस प्रकार x x डैश y y डैश, और ये दे रखा है ये लो, तो एक दो तीन और चार, तो इसके शून्य कितने होंगे? चार होंगे। इसी प्रकार आप पांच की बात करोगे तो एक दो तीन, मतलब जहां भी टच हो रहा है वो भी अपन मानेंगे। देखो x x डैश y और y डैश, तो आपका ये है इस प्रकार ये लो, तो एक दो तीन, तो शून्य कितने हैं? तीन। तो यहाँ पे अपन ने सिर्फ ज्यामितीय निरूपण से देखते ही अपन बता सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यांक कितना है, वो पड़ा है। अब इसके जो बेसिक है वो अपन ने देखा है, नेक्स्ट वीडियो में अपन 2.2 की बात करेंगे, और जो शून्यांकों के और जो बहुपद है उसमें गुणांकों और शून्यांकों के जो मध्य संबंध है उसको सत्यापित करेंगे, और उसको कैसे निकालते हैं वो भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे 2.2 की और बहुपद के जो शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध की, जब तक इसको दोबारा देख लीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।